हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, क्या हो सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस यार, मैंने नोटिस किया कि मेरे चैनल पे जो टाइकून गेम्स की वीडियोस हैं उन पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा व्यूज देते हो और बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हो। है भाई, सबको बिजनेसमैन बनना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दोबारा से लेके आ गया हूँ टॉप 10 बेस्ट न्यू टाइकून गेम जो कि आप लोग 2024 के अंदर खेलने वाले हो और तगड़े मजे करने वाले हो। और भाई ये सारी गेम्स जो हैं बहुत ज़्यादा न्यू होने वाली हैं, तो आप लोगों ने डेफिनेटली इनके बारे में कहीं भी देखा नहीं होगा और ना ही ये गेम्स खेली होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी गेम आप लोगों ने देखी है या कौन सी नहीं देखी। तो दोस्तों आप सीट बेल्ट कस लो क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। गाइस egg.inc नाम का ये गेम हम लोगों के पास सबसे फर्स्ट पे निकल के आता है और इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है बेसिकली एक पोल्ट्री फार्म, यानी कि आप लोग एक पोल्ट्री फार्म के ऑनर हो और आप लोगों के पास बहुत सारी हैंज हैं, यानी कि बहुत सारी मुर्गियां हैं जो कि अंडे देती हैं और आप लोग उनको बेचते हो। तो आप लोगों ने भाई मुर्गियों को सारा का सारा ना अच्छे तरीके से रखना है भाई साहब, अंडों को अच्छे तरीके से रखना है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अंडे कितने ज़्यादा नाजुक होते हैं भाई, इधर उधर कहीं पर भी लगा तो वो टूट जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे से सारे अंडों का ध्यान रखना है और भाई उनको मार्केट में जाके बेचना है। सारा का सारा आप लोगों ने अपना पोल्ट्री फार्म ग्रो करना है और इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड आपकी सारी की सारी गेम रहने वाली है। गेम काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। गेम के साइज़ की बात करें तो 50 MB का सिर्फ और सिर्फ गेम का साइज़ रहता है और गेम कम्प्लीटली ऑफलाइन है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लेस के नंबर सेकंड गेम की। तो हमारे पास है टाइनी रेल ट्रेन टाइकून 2024। अब गेम के नाम में ही 2024 आ गया तो आप लोग समझ तो गए होंगे कितना ज़्यादा लेटेस्ट गेम है, यानी कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ। और इसके अंदर आप लोगों को ना एक ट्रेन सिमुलेटर वाला मज़ा भी देखने को मिलता है और आप लोगों ने ना भाई पूरे के पूरे रेल के जो ट्रैक्स होते हैं ना उनको भी लगाना होता है और अपनी पूरी की पूरी ना एक ट्रेन स्टेशन को रन करना होता है। तो एक पूरा का पूरा प्राइवेट ट्रेन स्टेशन चलाना भाई साहब कोई हलवा नहीं है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयज़ और स्टाफ को रखना पड़ेगा और भाई हर चीज़ का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साइज़ की बात करें तो 102 MB का ये गेम रहता है। गेम आप लोग ऑनलाइन भी खेल सकते हो और ऑफलाइन भी खेल ही सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके नंबर थर्ड गेम की। दोस्तों तो हमारे पास है आइडल बैंक टाइकून। अब गेम के नाम में ही आ गया बैंक टाइकून, तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आप लोगों को अपना एक खुद का बैंक चलाना है, यानी कि आप लोगों को एक बिल्डिंग खरीदनी है, फिर आप लोगों ने एक बैंक का पूरा सिस्टम उसके अंदर रजिस्टर करना है और उसके बाद आप लोग एम्प्लॉयज रखोगे भाई, उनकी सैलरीज फिर बढ़ाओगे, फिर उनको प्रमोट करोगे और फिर नए नए एम्प्लॉयज को आप लोग हायर करोगे और अपने बैंक को बड़ा करते जाओगे और डिफरेंट ब्रांचेज भी खोलोगे, अच्छी तरह से सारे के सारे पैसों को भी मैनेज करोगे और डिफरेंट कस्टमर्स के अकाउंट्स को भी हैंडल करोगे। तो ये सारा कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर। गेम तगड़ा रहने वाला है। गेम के साइज की बात करें तो 150 MB का गेम रहता है और गेम कम्प्लीटली ऑफलाइन है। गाइस नेक्स्ट जो गेम है ना हमारे पास वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गेम का नाम है आइडल एयरप्लेन INC टाइकून। अब गेम के नाम में फिर से आ चुका है एयरप्लेन, तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि ये एक एयरप्लेन वाली गेम रहने वाली है, यानी कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एयरप्लेन नहीं चलाने वाले बल्कि आप लोग एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट रन करने वाले हो। आप लोगों के पास पहले घटिया प्लेन होता है, यानी कि थोड़े से कम बजट वाला प्लेन होता है, फिर आप लोग अच्छा स्टाफ रखते हो, अपना प्लेन अच्छा करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते हैं, आप लोग उनको अच्छी सर्विसेज देते हो और वो अच्छे रिव्यू देते हैं और बार बार आपके थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा तगड़ा फ़ायदा होगा और फिर आप लोग अपनी हर चीज़ को अपग्रेड करते रहोगे। आप लोगों को हर चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, स्टाफ से लेके पैसेंजर तक हर चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेज करनी है और साथ में आप लोगों ने अपने एयरप्लेन का भी ध्यान रखना है क्योंकि भाई अगर एयरप्लेन ही ख़राब हो गए तो आप लोग सवारियाँ किसमें बिठाओगे। भाई गेम के साइज़ की बात करें तो इस गेम का साइज़ भी 150 MB रहेगा और गेम ये भी कम्प्लीटली ऑफलाइन रहेगा। तो गाइस रोलर कोस्टर टाइकून टच नाम का ये गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब गेम के नाम में रोलर कोस्टर आ गया तो ये मत समझना कि सिर्फ रोलर कोस्टर ही आप लोगों को यहाँ पे मैनेज करना है बल्कि एक गेम ऐसा रहने वाला है जो कि थीम पार्क के ऊपर बेस है, यानी कि आप लोगों को ना एक पूरा का पूरा थीम पार्क मैनेज करना है। उसमें सिर्फ रोलर कोस्टर नहीं होगा बल्कि और भी डिफरेंट झूले और राइड्स होंगी जिनको आप लोगों ने मैनेज करना है, मेंटेन करना है, लोगों का ध्यान रखना है और आप लोगों ने अच्छे अच्छे झूले मंगवाने हैं और उनको सेटअप करना है, यानी कि पहले आप लोग उनको परचेज करोगे, फिर सेटअप लगाओगे और फिर उनकी मेंटेनेंस भी करोगे। ऐसा ना होना भाई कि उसके ऊपर कोई बच्चा या कोई बंदा बैठे और भाई वो झूला ही गिर जाए, तो ऐसे आप लोगों की रेपुटेशन खराब होगी और अल्टीमेटली आप लोगों का थीम पार्क बंद हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप लोग नहीं चाहते तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस थीम पार्क के ऊपर और अच्छे से इसको तगड़े तरीके से चलाना पड़ेगा। गेम के साइज़ की बात की जाए तो 630 MB का गेम रहता है। आई नो साइज थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन भाई गेम कमाल का है और ऊपर से ऑफलाइन भी है, तो एक दफ़ा का खर्चा है इंटरनेट का, बाद में आप लोग शांति के साथ आराम से ऑफलाइन ये गेम खेल ही सकते हो।
गाइस आइडल म्यूजियम टाइकून नाम का ये जो गेम है थोड़ा सा अजीब है, यानी कि मैंने कभी भी कोई भी ऐसा टाइकून गेम नहीं देखा जो कि म्यूजियम के ऊपर बेस हो। तो कुछ नया सा ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है जहाँ पे आप लोग एक पूरे के पूरे म्यूजियम को मैनेज कर रहे हो, आप आर्टिफैक्ट्स मंगवाते हो, एंशियंट चीज़ें मंगवाते हो और फिर उसको ना अच्छे तरीके से आप लोग डिस्प्ले लगाते हो और फिर लोग आते हैं, आप लोगों की टिकट खरीदते हैं और आप लोग के ना म्यूजियम को विजिट करते हैं। जितने टिकट आप लोग ज़्यादा बेचोगे उतने ज़्यादा पैसे आप लोगों के पास आएंगे और उतने ज़्यादा आप लोग एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे रख पाओगे और लोग उनको देखने के लिए और भी ज़्यादा जोरों शोर के साथ आएंगे और आप लोगों की तगड़ी टिकटें बिकेंगी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाओगे, है ना तगड़ा गेम। गेम के साइज़ की अगर बात करें तो 244 MB का ये गेम है और गेम ये भी ऑफलाइन है। गाइस नेक्स्ट ये जो गेम हमारे पास है थोड़ा सा वियर्ड होने वाला है। गेम का नाम है प्रिजन एम्पायर टाइकून। अब देखो बाकी गेम्स में ऐसा होता है कि आप लोगों ने कोई बिजनेस रन करना होता है और आप लोगों ने ना एक टाइकून बनना होता है, लेकिन इस गेम के अंदर ना कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों ने ना एक प्रिजन बनाया है और एक लो क्वालिटी प्रिजन है जहाँ पे छोटे छोटे कैदी रहते हैं, छोटे प्रिजनर्स रहते हैं और आप लोगों ने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने जो ये प्रिजन है ना इसको बड़ा करते जाना है और हाई सिक्योरिटी वाला इसको बनाते जाना है ताकि भाई खूनखार और ख़तरनाक मुजरिमों को भी यहाँ पे रखा जा सके और उनको रखने के लिए आपको पैसे दिए जाए। जैसे कि भाई रेंट पे कोई घर देता है किसी को और उससे पैसे लेता है, ऐसे ही आप लोग रेंट पे सारे के सारे कैदियों को रखोगे और जो भी उनको वहाँ पे रखवाएगा उनसे पैसे लोगे, है ना भाई तगड़ा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही आप लोगों ने एक नहीं बल्कि कई सारे प्रिजन बनाने हैं और वहाँ पे प्रिजनर्स का भी ध्यान रखना है और अपने स्ट्रक्चर का भी, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी प्रिजनर आप लोगों के प्रिजन को तोड़ के ना भागे वरना तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी भाई साहब। गेम के साइज की बात करें तो 230 MB का ये गेम रहता है और गेम ये भी ऑफलाइन है। गाइस अभी हम लोग प्रिजन की ही बात कर रहे थे और नेक्स्ट गेम उससे मिलता जुलता ही निकल के आ गया है, यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आइडल माफिया टाइकून मैनेजर की। अब गेम के नाम के अंदर ही आ गया माफिया, तो भाई उसी टाइप का ये गेम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों ने पूरी पूरी माफिया गैंग चलानी है और आप लोग उसके लीडर होंगे। आप लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टास्क कर सकते हो, मिशन है, यहाँ पे आप लोगों को कटसीन देखने को मिलते हैं, आप लोग यहाँ पे शूटिंग वूटिंग कर सकते हो, अपनी टेरिटरीज अपनी बनानी है, आप लोगों को हाइश करनी है और भाई बहुत कुछ है इस गेम में एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत कुछ है यहाँ पे बनाने के लिए। यानी कि इस गेम की दुनिया के अंदर ना आप लोगों ने क्राइम का भी ताज बादशाह बनना है और एक बहुत बड़ा तगड़ा पावरफुल माफिया का लीडर बनना है। गेम के साइज़ की बात की जाए तो 850 MB का ये गेम रहता है। आई नो साइज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन इस गेम के अंदर ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि साइज़ इतना तो भाई बनता ही है और साथ में गेम ऑफलाइन है तो भाई समझ रहे हो ना एक ही दफ़ा की दिक्कत है, बाद में भाई सुकून से आप लोग खेल सकते हो गेम। तो अगर बात करें अब लिस्ट के सेकंड लास्ट 9th नंबर की गेम की तो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट टाइकून एम्पायर सिटी। अब इस गेम के अंदर ना बेसिकली आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलानी है। अब यहाँ पे ये नहीं होने वाला कि सिर्फ आप लोग एक ही गाड़ी चलाओगे बल्कि आप लोग डिफरेंट चीज़ें चला सकते हो। आप लोगों के यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रेन होंगी, आप लोगों के पास यहाँ पे बड़ी बड़ी व्हीकल्स होंगी, आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रक्स होंगे, प्लेन्स होंगे और तो और आप लोगों के पास शिप्स भी होंगी जो कि समुंदर के रास्ते सारा का सारा सामान लेके आएंगी। यानी कि समझ रहे हो ना भाई कितनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आप लोग यहाँ पे बनाने वाले हो और पूरी की पूरी एक एम्पायर खड़ी करने वाले हो। आप लोग समझ सकते हो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आप लोग ना बेताज बादशाह बन सकते हो इस गेम के अंदर और आप लोग ये भी समझ सकते हो कि एक्चुअली ये बिजनेस काम कैसे करता है। गेम के साइज की बात की जाए तो 137 MB का गेम रहता है और गेम कंप्लीटली ऑफलाइन है। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट निकल के आता है हम लोगों के पास मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट गेम एक्सो माइनर आइडल माइनर यूनिवर्स। अब आप लोग सोच रहे हो भाई ये एक माइनिंग वाला गेम है तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट क्यों है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सिर्फ एक माइनिंग वाला गेम नहीं है बल्कि इस गेम के अंदर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप लोग ना एक ऐसे एलियन हो या फिर कुछ और ही स्पीशीज़ के बंदे हो जो कि दूसरे प्लैनेट पे अटैक करते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको बंदी बना लेता है और वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको गैदर करता है, उनकी माइनिंग करता है और भाई उनको ला के ना अपनी प्लैनेट पे बेच देता है। यानी कि सोच रहे हो भाई कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है और कितना नेक्स्ट लेवल ये गेम रहने वाला है। यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर माइनिंग कर रहे हो और भाई एक ही प्लैनेट बल्कि ढेरों सारे प्लैनर आप लोगों को यहाँ पे गेम में देखने को मिल जाते हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो और जिनसे आप लोग माइनिंग कर सकते हो। तो समझ रहे हो कैसा सा गेम रहेगा, मजा आ जाएगा। गेम के साइज की भी बात करें वो भी छोटा सा रहने वाला है, यानी कि सिर्फ 53 MB का ही गेम रहता है और गेम ऑफलाइन है। तो गाइस बस ये थे वो सारे के सारे गेम जिनके बारे में आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताया था। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जल्द कर दे वीडियो को लाइक, चाहे मेरे दफा तो जल्दी समाज सब्सक्राइब। हमें दूसरे चैनल यानी कि रबील गेमर को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जल्द ही जाके कर लो, वहाँ पे गेम प्ले तगड़े तगड़े रोज आते जा रहे हैं शाम को 5 बजे, तो मिस बिल्कुल मत करना। बाकी मैं रबील मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो जल्दी से कर लो @रबील, इंस्टाग्राम हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।